ओम स्वास्तिक शंख चक्र और गदा के अलावा भगवान राम की नई मूर्ति की ये 10 बातें नहीं जान पाए 99% लोग। प्रभु राम की नई मूर्ति में कहाँ है हनुमान? चारों ओर बने खंबे पर बनी है ऐसी चीजें, बौद्ध धर्म वाले भी बोलेंगे जय श्री राम। माँ सीता और लक्ष्मण के बगैर ही गर्भगृह में क्यों स्थापित हो रहे श्री राम? धार्मिक विद्वानों ने बताया बहुत बड़ा रहस्य। प्रभु श्री राम के स्वरूप को जितना ही निहारेंगे आंखों को उतना ही सुकून मिलेगा। चेहरे पर वैष्णवी तिलक, कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट और बड़े बड़े बाल की आकृति जिस कारीगरी के साथ मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनकी टीम ने बनाई है वो अद्भुत है। लेकिन इस मूर्ति को देखने के बाद भी 99% लोग ये नहीं समझ पाए कि प्रभु श्री राम की मूर्ति के पास जो पत्थर का खंभा बना है उस पर क्या है। तो आइए पहले वो समझते हैं, फिर ये बताते हैं माता सीता और लक्ष्मण के बगैर ही प्रभु श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में क्यों स्थापित की गई। अगर दाई ओर से देखेंगे तो सबसे पहले स्वास्तिक का निशान नजर आएगा, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो गदा, फिर भगवान सूर्य की प्रतिमा नजर आएगी जो भगवान राम के ठीक सिर के ऊपर विराजमान है। उसके बाद जब दूसरी ओर नजर दौड़ाएंगे तो पहले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दिखेगा, उसके बाद शंख और फिर ओम की आकृति दिखाई देती है। और मूर्तिकार की कलाकारी यहीं नहीं रुकती बल्कि इसके आगे जो आपको हम दिखाएंगे उसे सुनकर और अभिभूत हो जाएंगे। यहाँ से ठीक नीचे भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, फिर कुर्म यानी कछुआ, उसके बाद वराह, फिर नरसिंह और वामन अवतार की तस्वीर नजर आएगी। वहाँ से नीचे देखेंगे तो भगवान हनुमान की मूर्ति नजर आएगी। बगैर हनुमान के प्रभु श्री राम कैसे रह सकते हैं, और प्रभु के चरणों में ही उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है, इसलिए बड़े ही सोच समझ कर भगवान हनुमान की मूर्ति यहाँ बनाई गई। वहाँ से ठीक नीचे कमल का आसन नजर आता है जिस पर प्रभु श्री राम खड़े हैं। यहाँ से दूसरी ओर देखेंगे तो बाकी के 5 अवतार यानी भगवान परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार की तस्वीर बनी है। उसके बाद आपको पक्षीराज गरुड़ भी नजर आते हैं जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। मतलब प्रभु श्री राम की एक प्रतिमा में कई सारी बातों को समाहित कर दिया गया है जिस पर कई लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्रभु श्री राम की मूर्ति में हनुमान कहाँ है तो उसे तुरंत बता दीजिएगा। हालांकि इस मूर्ति को देखने के बाद कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम के साथ सीता मैया और लक्ष्मण की तस्वीर क्यों नहीं है, तो इसका जवाब भी हमने तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि प्रभु श्री राम की 51 इंच ऊंची प्रतिमा बाल्यकाल की है, उनके 5 साल के स्वरूप को दर्शाती है, इसलिए माँ सीता को यहाँ स्थान नहीं दिया गया। लेकिन उनकी प्रतिमा मंदिर में जरूर स्थापित की जाएगी, क्योंकि हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो सीताराम ही कहते हैं। माता सीता के साथ साथ श्री राम की और तीनों भाइयों जो अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं, उन भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्रतिमा भी मंदिर में स्थापित की जानी चाहिए। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि प्रभु श्री राम जहाँ विराजेंगे वहाँ उनकी जिंदगी से जुड़े हर पन्ने की तस्वीर होना जरूरी है। इसलिए आपने ये सुना होगा कि महर्षि वशिष्ठ से लेकर महर्षि विश्वामित्र और शबरी तक की प्रतिमा बनवाई जा रही है ताकि रामचरितमानस और रामायण में लिखी बातों का दर्शन भी श्रद्धालु कर सके। प्रभु श्री राम का ये मनमोहक स्वरूप आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्या मूर्ति देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि मूर्तिकार ने कोई कमी छोड़ दी, तो वो भी कमेंट कर बताएं। क्योंकि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भगवान राम तो श्यामल वर्ण के थे यानी सांवले थे, फिर उनकी प्रतिमा काले पत्थर की क्यों है? तो उसकी वजह हमने आपको पहले ही बता दी है कि भगवान विष्णु को शालिग्राम से प्यारा कुछ और नहीं है और ये मूर्ति भी शालिग्राम से ही बनी है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो जरूर बताएं, और मूर्ति अद्भुत लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। प्रभु श्री राम की मूर्ति की ये जानकारी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्होंने नई मूर्ति के दर्शन तो कर लिए पर खासियत नहीं जान पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।